लास्ट क्लास में अपन लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे ना, और हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर लिया था। चलो उसके बाद तो कोई भी बाइनरी नंबर तुम्हें दिया हुआ है और उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ही मेथड तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर, कोई भी बाइनरी नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सपोज 10 1101 नंबर ले लिया, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है पॉइंट वाला, तो दोनों एग्जांपल कर लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 10 1 अगेन 1 10 0 देन सबसे पहला स्टेप। इसके बाद बेस इसका कितना है 2, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 2 टू दी पावर 0 कितना 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 1, 2 टू दी पावर 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 2 टू दी पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, देन इसको ऐड करना है। थर्टी टू प्लस एट फोर्टी फोर प्लस वन फोर्टी फाइव ये तुम्हारे पास जो नंबर होगा डेसिमल नंबर होगा जिसकी बाइनरी है। ये होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं, ओके। यहां पे इस नंबर को लिखेंगे 10 10.11। तो ये जो पॉइंट से पहले है यहां से हम स्टार्ट करेंगे 2 टू दी पावर 2 3 एंड 4। उधर साइड में जाएंगे 2 टू दी पावर 0 पे पहले क्या -1 एंड 2 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करना है ऐड करना है। सबसे पहले 2 टू दी पावर 0 इज 1 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 2 टू दी पावर 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 टू दी पावर 2 2 4 मल्टीप्लाई 1 इज
2 to the power 3, 8 multiplied by 0 is 0, 2 to the power 4, 16 multiplied by 1 is 16. 2 to the power minus 1, 1 by 2, 1 by 2 means 0.5. फिर ये होगा 1 अपॉन 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 2, इसका मतलब 1 बाई 2 टू दी पावर 2, 1 बाई 4, 0.25. क्लियर होगी? 0.5 प्लस 0.25 इज 0.75, इधर वाला काम तो हो जाएगा 0.75, और यहां पे 16 और 4 20 दो 22.75 decimal. बना सकते हो आसानी से. अब कोई भी decimal binary number तुम्हें दे दिया जाए उसको decimal में convert कर सकते हो. कर सकते हो? वो तो समझ में आ जाना चाहिए कैसे किया है. आगे बढ़े तो हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल बनाना सीख लिया है. कोई भी नंबर तुम्हें दिया जाए वो कन्वर्ट कर सकते हो. डेसिमल टू ऑक्टल. क्या करना है? बेस क्या है? 8. तो 8 से डिवाइड करेंगे. कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? उसके बेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जो दिया हुआ नंबर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ लिखना है रिमाइंडर को. तरीका याद है? स्टार्ट करते हैं. कोई भी नंबर ले लो. ले सकते हैं ये नंबर. रेंडम नंबर ले लिया, इसको कन्वर्ट करना. ये डेसिमल है. क्या करेंगे? डिवाइड किससे? 8 से. कितनी बार भाग जाएगा? 1 0. रिमाइंडर कितना? 2. ओके. इसके बाद फिर से 8 से डिवाइड करेंगे. 1 3 8 8 8 64. रिमाइंडर कितना? 1.
एक बार जाएगा, 2 9 29, 8 3 24, बचेगा कितना, 5, 5 और 5 कितना हुआ, 55। 55 में 8 से डिवाइड करेंगे, 55 को कितनी बार जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना, 7, यस। और फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 1, 5, 6, 56, 7, रिमाइंडर कितना, 0, देन 8 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 8 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स रिमाइंडर 2। तो इधर से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 0 7 2, बेस कितना, तो देखो यहाँ पे बेस 8 लगा रहा हूं, इसमें तुम्हारे पास 0 से 7 तक के डिजिट ही होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल पॉइंट्स में ले सकते हैं, तो यही एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैं 8 7 6 2 0.15 से, ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया, इस वाले पोर्शन का कन्वर्जन तो तुमने कर लिया, कितना आएगा 0.72, उसके बाद लगेगा पॉइंट, और फिर क्या है, बेस कितना है 8, पिछली बार मल्टीप्लाई किया था, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, किसको, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना आएगा, हाथ में ले लो कोई, 120, 1.20, राइट, पॉइंट से पहले कितना, 1, 1 को यहां पे लिख देंगे, उसके बाद 0.20 मल्टीप्लाई बाई 8, 1.60, से पहले 1, यहां पे आ जाएगा 1.60 मल्टीप्लाई बाई 8, 4.80 कितना आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से लिख ठीक है। अब इसका रिवर्स करें, ऑक्टल टू डेसिमल, तो कोई भी एक ऑक्टल नंबर लें,
यही ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं ये आता है या नहीं, ठीक है ना। तो 2.072 ये ऑक्टल नंबर है, इसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो लिख देंगे पहले 2107 और बेस कितना है 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, 3 and 4 मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा 2 to the power 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ये कितना आएगा 56। फिर 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये 8 to the power 3 कितना आएगा 512, और ये 2048 कितना, एक मिनट, हाँ 81 पक्का, जोड़ने के मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दो अब इनको, आ रहा है सही है। ओके दूसरा एग्जांपल करना है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। मैं लिख देता हूं 2.18 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, लिख सकते ना 4 लिख देता क्योंकि बेस 8 है ना, तो नहीं आएगा यहां पे बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ 2.1.1.4 8 to the power 0, 8 to the power -1, 8 to the power 1 और 8 to the power 2 कितना आएगा 4/8 1/2.5 कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा और ये कितना आएगा 120, ऐड कर दो 137.5, ये इसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया। आसान है, एक तरीका सीख लो, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, वैसे ही फिर तुम्हें कन्वर्जन आराम से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़े।
इसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यहां पे तुम्हारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16। तो नंबर लो कोई भी, बोलो ये ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे ना, कितनी बार जाएगा 1 3 3 2 1 8 1 रिमाइंडर 2। सात बार जाएगा, बचेगा कितना 9। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, इस तरीके से लिख देंगे इसको 79 बेस कितना 16। और कोई नंबर पॉइंट्स में लेना हो तो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ये नंबर अपना है डेसिमल। चलो ये वाला पोर्शन तो पता है, इसका तो कितना आएगा 792, यहां लग जाएगा पॉइंट। और यहां पे तुम्हारे पास क्या है, पॉइंट 5। किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा, हैं 4.00 लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले कितना 4.00 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यहीं पे इसका काम खत्म हो जाएगा। ये बेस कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो,
हेक्साडेसिमल नंबर में लेता हूं कोई भी, सपोज मैंने ले लिया 1A 2E. दिस हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर है ना, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, बेस 10 कर सकते हैं। देखो 1A, A का मतलब कितना है 10, 2E, E का मतलब कितना है 14, F 15, ठीक है, और बेस कितना है 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, करो मल्टीप्लाई इसको, 16 टू दी पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 14, कितना आ जाएगा 14, और ये कितना आ जाएगा 16 टू दी पावर 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 16 स्क्वायर इज 256 मल्टीप्लाई बाई 10, 2560, 16 टू दी पावर 3 कितना 4096, राइट, जोड़ दो अब इनको, सिक्स सेवन हो जाएगा, जोड़ के देखो 6 4 10 2 12 और इसमें आ जाएगा 1 9 1 10 6 16 4 20, 2 5 7 4 सही है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे कन्वर्ट करो, एफ मीन्स B means 11, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर -1 यहां आ जाएगा,
16 टू द पावर 1 और 16 टू द पावर 2. ये आएगा कितना 256. 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 240. तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 11/60 0.0625 यही आएगा. ऐड कर दो, ऐड करो इनको सबको 0.6875 ही आएगा ना. अरे कैलकुलेटर से भी सही नहीं कर सकते क्या? 0.67 कितना आ जाएगा अब 498.6875. तो डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. हो गया यहां तक? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था. और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था. इसी तरीके से डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया था और ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली इसका कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में भी कर दिया था और हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में भी आ गए. अब अगर तुम्हें कोई कहे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है. सबसे पहले हम ऑक्टल से डेसिमल आएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे. ऐसे ही ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर सिस्टम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं. और यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है. क्या करना होगा? जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस का भाग लगाना है, सही करना है, और फिर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं. सबसे पहला काम हम करेंगे बेस 4.
का मतलब क्या है, जीरो से तीन तक के डिजिट चलेंगे, ठीक है। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है बेस फोर में कन्वर्ट करना, ठीक। तो 1092 डेसिमल इसको कन्वर्ट करना है बेस फोर में, क्या करेंगे 1092 इसको डिवाइड कर देंगे किससे, फोर से। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के, ऐसा नहीं है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करवा दिया, डेसिमल को बाइनरी में करवा दिया, ठीक है। कितना आएगा, सही लिखा मैंने, सेवन थ्री पक्का, अच्छा चार से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना, जीरो, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर राइट, तो 1 0 1 0 1 0 ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेस तो बाइनरी तो नहीं बन गई, बन गई बेस फोर को ऐसे लिखा जा सकता, जीरो वन टू और थ्री आ सकते हैं, जीरो वन जीरो वन तो आ ही सकता। सही किया है या नहीं किया, एक बार इसको दोबारा से कन्वर्ट करके देख, ये बेस फोर है, इसको बेस टेन में कन्वर्ट करते हैं, अगर यही नंबर मिल जाता है तब तो ठीक है ना। देखो देखे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 0 1 0 1 0 क्या लिखेंगे, 4 की पावर 0 4 की पावर 1 4 की पावर 2 3 4 और 5, क्लियर। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, फिर 0, और ये कितना आएगा 4 की पावर 5, 10 एड करो कितना आता है 10, हाँ 92, इसका मतलब सही किया है। अब बताओ किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर सिस्टम में
कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ सिक्स सेवन जीरो टू को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिक्सटीन से डिवाइड करो, सिक्स सेवन जीरो टू को सिक्सटीन से डिवाइड करो, से पहले ही तो किया है, देखो ये है ना, ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 6702 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखो भाई कितना आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, हाँ 14, 14 को क्या लिखते हैं ई, यहां लिख देंगे कितना ई, देन 16 कितना आएगा, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कितना 10, 10 का मतलब फिर 16 से डिवाइड करेंगे, जीरो बार जाएगा रिमाइंडर 1, क्या लिखेंगे 1A2B, सेम प्रोसीजर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ना तो मैं देता हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 5 नंबर सिस्टम दिया है मैंने, सोच समझ के करना,
ये क्या कर दिया, डेसिमल को बाइनरी में थोड़ी कन्वर्ट करना था, पहले ये जो दिया हुआ नंबर है 1432 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, कर लिया 242। ओके डन। मैच कर लेना, ये 1432 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 0, 1, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कितना आ जाएगा 2 प्लस 15 प्लस 100 प्लस 1 सॉरी कितना हो जाएगा 2। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी, तुम कर ही सकते हो आसानी से, 242 डिवाइड करोगे 2 से, कर लोगे, है ना। अब जैसे तुम्हारे पास 100 है, इसकी बाइनरी लिख ली, इस तरीका तो मैंने तुम्हें बताया था, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ से लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे तुम यहाँ से स्टार्ट करो, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, 6, 7 इनको तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना, जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है बस उसी के हिसाब से चलोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 2 to the power 0 is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है 128 100 से ज्यादा है ना, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, 6400 से कम तो यहां पे कर देंगे 1, ठीक है। 6400 से कम है तो ये 64 वाला काम हमने कर लिया 100 में से, अब 64 को घटा दो कितना बचेगा 36। क्या 32 36 से कम है, है? 1 कर दो, यहां से 32 घटा दो कितना बचेगा
सिक्सटीन फोर से ज्यादा है तो यहाँ पे जीरो करो, एट फोर से ज्यादा है तो यहाँ पे जीरो करो, फोर फोर के बराबर है वन कर दो, फोर बैठाएंगे कितना बचेगा जीरो, आगे वाले सब जीरो, ये बाइनरी बन गई। समझ में आ गई? हैं? वही बढ़िया है। देखो मैंने क्या किया, कोई भी नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में, तो सबसे पहले ये सीरीज लिखना है तुम्हें और फिर इसके ऊपर वैल्यू रख दो इनकी, क्या क्या वैल्यू है ना। अब तुम्हें करना क्या है, दोबारा से लिखता हूं मैं इसको, है ना। सबसे पहले तुम्हारा नंबर देखो क्या है, कितना है 100, तो तुम लोगों ने यहां तक लिख लिया है 256 100 से ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसके नीचे लिखो जीरो, ये भी 100 से ज्यादा है लिखेंगे कितना जीरो, ये 100 से कम कम है तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे वन, और वन लिख दिया तो इसके ऊपर कितना है 64 यहां से घटा देंगे, कितना बचेगा 36। अब हमें देखना है 36 कंपैरिजन किससे करना है, 36 से अगर ये ज्यादा है तो जीरो, कम है तो वन, अगर वन कर दिया तो उतना घटाना है, अब 36 में से कितना घटाना है 32 है ना, 32 36 से कम है तो वन, और वन कर दिया तो घटा दिया कितना बचा फोर, अब कंपेयर किससे करेंगे फोर से, 16 फोर से ज्यादा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 8, 4 से ज्यादा है 0, 4 के बराबर है तो 1 कर देंगे और 4 घटा देंगे कितना बचेगा 0, 0, 4 0 से 8, 2 0 से ज्यादा है 1 0 से, सीरीज केवल वहां तक लिखो कि तुम्हारा नंबर है तो उससे छोटा आ जाए, वहां तक लिखनी पड़ेगी, ये वाले जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहां से स्टार्ट, जो एमएस भी होगा वो बाइनरी में वन से स्टार्ट है, ठीक है। ये तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। जनरली छोटे नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज में लिया जाता, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो के प्राची सिंह ने क्या बना दिया तुमने, ये 100 की बाइनरी है क्या, चेक करके देखो दोबारा से, आगे बढ़ सकते हैं या नोट कर रहे हैं।
हो गया। अभी तुम्हें कोई हेक्साडेसिमल नंबर अगर दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे करेंगे देखो। इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है जीरो है, जीरो के करस्पॉन्डिंग बाइनरी जो होगी वो जीरो 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 होती है। फोर बिट के अंदर अगर लिखना चाहें तो जीरो की बाइनरी क्या होगी, जीरो 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 जीरो। वन की बाइनरी क्या होगी, जीरो 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 वन। वन की बाइनरी वन ही होती है और उसके पहले तीन, मुझे चार डिजिट में लिखनी है, चार बिट में लिखना है ऐसे ही लिखूंगा। टू की बाइनरी क्या होगी, वन जीरो होती है, उससे पहले दो जीरो और की बाइनरी वन जीरो। थ्री की बाइनरी कितनी होती है, जीरो जीरो वन वन। फोर की बाइनरी क्या होती है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। कोई दो बाइनरी नंबर है उनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 101101 और दूसरा नंबर है 100111, इनको मुझे ऐड करना। तो एक तरीका तो मैं यहां पे बता रहा हूं और दूसरा तरीका तुम खुद से अडॉप्ट कर सकते हो। ये नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, इस नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो डेसिमल नंबर आएगा उसकी बाइनरी लिख दो, उसका एडिशन होगा। क्लियर हो गई बात। ये जो बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, दोनों डेसिमल नंबर को ऐड कर दो, तुम्हें मिलेगा डेसिमल नंबर और उसको बाइनरी में लिख दो, ठीक है। कर सकते हो, करना अपनी कॉपी में अभी थोड़ी देर में। पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। वन और वन इसको ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन करेंगे तो बाइनरी नंबर ही मिलेगा, और बाइनरी नंबर मिलेगा तो या तो जीरो या तो, यहां पे वन और वन को ऐड करेंगे कितना आता है टू, लेकिन इसको तुम क्या लिखोगे, वन और वन का एडिशन आएगा जीरो और कैरी जाएगा वन, ऐसे वन वन आते ही उसको क्या लिखेंगे, यहां जीरो और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात तो देखो, वन और वन का एडिशन कितना आएगा, एक यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा। वन और वन एडिशन कितना, जीरो, कितना हो गया वन, है ना। वन और जीरो को ऐड करेंगे तो वन ही आएगा, फिर इस वन में ये वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन और वन को ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो, वन कितना आएगा जीरो और एक कैरी फॉरवर्ड वो यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है, वन प्लस वन, पहले वन और वन को ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो और वन कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक और ऐड करना है, आ जाएगा जीरो वन और ये कैरी फॉरवर्ड है ही, तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी आएगी, वन और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर वन और वन को ऐड करेंगे सम कितना आएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड, वन जीरो जीरो को ऐड करेंगे वन होने वाला,
और वन और वन को ऐड करेंगे तो जीरो सम आएगा और एक ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाइनरी एडिशन। तो तुम लोग अब क्या करो इस नंबर को कन्वर्ट करो किसमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो रिजल्टेंट जो आएगा दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो देखें सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। तो बाइनरी एडिशन हेडिंग डाल लेना है ना क्वेश्चन आता है तुम्हारे इसमें। टेन टू दी पावर थ्री टेन टू दी पावर थ्री क्यों कर रहे हैं अपन ये बेस कितना है टू 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 दी पावर जीरो टू टू दी पावर वन टू टू दी पावर थ्री भूल गए इतनी जल्दी कल करवाया था ये तो इसलिए भूलना ही था हैं यही आया है आ गया तुम आया है गुड। अब देखो हो गया सब लोगों से कंफर्टेबल हो सब लोग नहीं हो बताना कोई दिक्कत हो तो हो गया चलो यहां पे देखो ये जो मैं लिख रहा हूं बाइनरी नंबर्स इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है
जीरो की बाइनरी फोर डिजिट, फोर डिजिट में अगर मुझे लिखना है तो जीरो 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 कोई दिक्कत नहीं है, थ्री बिट में लिखना है तो जीरो जीरो जीरो। अब इसके अंदर बाइनरी एडिशन करते जाओ, ठीक है, इसमें वन ऐड करेंगे बाइनरी एडिशन, इस नंबर में कितना आएगा जीरो 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 वन, इसमें वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा वन प्लस वन जीरो, वन के रिपोर्ट वन होगा वो वन प्लस जीरो इज वन जीरो जीरो, इसमें टू ऐड करेंगे कितना आएगा जीरो में वन ऐड करेंगे वन, ये वन यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा, इसमें वन ऐड करेंगे कितना आएगा वन प्लस वन जीरो, एक कैरी फॉरवर्ड होगा फिर वन प्लस वन जीरो और वन यहां आ जाएगा, ठीक है, इसमें वन ऐड करेंगे तो जीरो प्लस वन वन बाकी एज इट इज, ये किसकी बाइनरी होगी फाइव की, क्लियर है, इसमें वन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा वन प्लस वन जीरो, वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वन, इसकी बाइनरी होगी है, इसके अंदर वन ऐड करेंगे कितना आएगा सेवन की बाइनरी, एट की बाइनरी क्या होगी, इसमें वन ऐड करेंगे कितना आएगा वन कैरी फॉरवर्ड वन प्लस वन, वन कैरी फॉरवर्ड वन प्लस वन, वन फॉरवर्ड वन प्लस जीरो, आगे बढ़े, नाइन की बाइनरी लिखनी है वन जीरो जीरो वन, टेन की लिखनी है जीरो वन जीरो, इलेवन की लिखनी है मीन्स बी क्या आएगा वन जीरो वन वन, सी की लिखनी है मीन्स ट्वेल्व कितना वन वन जीरो जीरो, डी की लिखनी है मीन्स थर्टीन कितना आएगा वन वन जीरो वन, सी की लिखनी है मीन्स फोर्टीन कितना आएगा वन 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 जीरो, और एफ की लिखनी है मीन्स फिफ्टीन वन 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 वन, राइट, ठीक है। अब कोई नंबर दिया हुआ है तुम्हें हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर क्या दे सकते हैं ए एफ ई, इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी, ठीक है, तो क्या करो सामने देखो कितना है वन जीरो वन जीरो, वन का क्या आएगा जीरो 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 वन, फोर डिजिट में ही लिखना है, एफ का वन 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 और ई का वन 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 जीरो, इस हेक्साडेसिमल की बाइनरी होगी, समझ आ गई सब लोगों को, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको भी देख लो, बताओ कोई बाइनरी नंबर कुछ भी वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो बाइनरी नंबर है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यहां से स्टार्ट हो जाओ चार डिजिट एक पेयर बनेगा, दूसरे चार डिजिट का एक पेयर, फिर तीसरे चार डिजिट का एक पेयर, फिर ये वन बच गया इसके पीछे तीन जीरो लगा के, ओके
1110 E 1100 कितना आएगा C 0110 कितना आएगा 46 और ये आ जाएगा 1 16 C E द डेसिमल क्लियर है। ये मेथड अगर याद रखोगे थोड़ा सा इजी रह जाएगा तुम्हारे लिए, अदरवाइज हेक्साडेसिमल को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे स्टेप बहुत आसान है, समझ में इजीली आ जाए। पीछे करूं ये टेबल बना लोगे, इसको दूसरा तरीका और बता देता हूं बनाने का। पहले 80 लिखो फिर 81 लिखो फिर 40 41 40 41 दूसरी लाइन में, तीसरी में 20 21 20 21 20 21 लास्ट वाली में 010 010। ठीक है, ये आसान है ना। वहां एक को ऐड करना सिखा रहे थे, पहले 40 80 फिर 81 कितने कितनी लाइन बनेंगी 16 जीरो से लेके 15 तक है ना। 80 81 फिर 40 41 40 41 20 21 20 21 20 21 20 21 01 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
ऊपर करें और ऊपर
हो गया। चल ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल नंबर के लिए जीरो से सात, जीरो से सात, तो जीरो से सात की बाइनरी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? जीरो जीरो जीरो, सात के अंदर मैक्सिमम वन 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 हो जाएंगे। सात की बाइनरी कितनी होगी? वन वन वन, तो तीन ही बीट की जरूरत पड़ने वाली है। जीरो की बाइनरी जीरो जीरो जीरो, वन एड करेंगे तो वन, इसमें वन एड करेंगे तो जीरो वन जीरो, इसमें वन एड करेंगे तो 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 फोर, चार जीरो चार वन, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, फोर। फोर बिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट क्या है? सेवन। सेवन की बाइनरी कितनी? वन वन वन, मैक्सिमम की वन 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 है, यानी तीन बिट से काम चल रहा है। वहां पे मैक्सिमम कितना था? फिफ्टीन। फिफ्टीन की बाइनरी कितनी? वन 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 वन, मैक्सिमम कितने बिट चाहिएंगे? मिनिमम कितने बिट चाहिएंगे? चार। वहां से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है? अब कोई ऑक्टल नंबर लो, जीरो वन जीरो फाइव सिक्स सेवन है ये ऑक्टल नंबर। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। कर सकते हो आराम से। कर दोगे? वन की बाइनरी जीरो जीरो वन, जीरो की फाइव की वन जीरो, सिक्स की वन वन जीरो, और सेवन की क्लियर है। और बाइनरी को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो भी आसान है। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में लेता हूं, ये ले सकते हैं। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो क्या करेंगे? तीन तीन के पेयर बनाएंगे। कितने के? तीन तीन के पेयर बनाएंगे। ये कितना है? वन जीरो वन फाइव। ये कितना है? जीरो वन वन। ये कितना है? ये कितना है? तो वन थ्री 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 फाइव, बेस कितना? वन। नीचे करूं पूरे को उठा के स्क्रीन को? कितना नीचे करना है? ठीक है,
हो गया। अब ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल आसानी से कर सकते हो, ये मेथड मैंने बता दिया। ऑक्टल नंबर देखो मैं बता देता हूं एक एग्जांपल लेके, ये लास्ट एग्जांपल है आज का, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई भी ऑक्टल नंबर लें, 7 5 3 2 6 ये है ऑक्टल नंबर, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान है। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 की बाइनरी, 111, 5 की बाइनरी 101, 3 की बाइनरी 011, 2 की बाइनरी 010, 6 की बाइनरी 110। ये क्या बन गया, बेस टू। अब क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था चार चार के पेयर बना दो, ठीक है। ये क्या बनेगा, 6, ये क्या बनेगा, 1 4, 8 4 12 और 13, 13 का क्या बनता है, 13 is C, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है, 0101, ये यहाँ पे 2 और 8 10, हाँ ये B आएगा, 8 4 12 और 1 13, 13 का क्या होता है, B, डी, अच्छा डी, यस 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 यस, यहां पे आएगा डी, 13 का डी, लो। फिर क्या है, 10 10, ये कितना है, 10 10 का क्या, ए बन जाएगा, और ये 7, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल की बाइनरी लिख दोगे, फिर 3 3 के पेयर बना के ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है, कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे।